इतना विशाल और प्राचीन शिवलिंग का दर्शन आप करके निश्चित रूप से आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। मिर्जापुर के महंत शिवाला स्थित इस अति प्राचीन शिव मंदिर को देख के आपको दावा है कि देखने मात्र से आपकी तमाम निगेटिव शक्तियां समाप्त हो सकती हैं। मंदिर के बाहरी दीवार को देखते मात्र से ऐसा प्रतीत होता है कि इस दीवार के एक एक ईंट में भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन हो रहा है और इसके पवित्र आंगन में बैठ के तमाम बुद्धिजीवी भी यहाँ भगवान भोलेनाथ के आश्रम में बैठकर चिंतन मनन का कार्य भी करते हैं। बताएं सर, इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में मंत्रणा चल रहा है, बैठक चल रही है, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज जो पूरे राष्ट्र के में जो स्थिति है, परिस्थितियां हिंदू विरोधी होती जा रही है, समाज में अव्यवस्था होती जा रही है, उसका मूल कारण संविधान का दुरुपयोग। जैसे अब एक समाज दूसरे समाज के प्रति वैमनस्य करता है, उसका कारण है जातिगत आधारित संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। यदि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको बराबर देता है, तो जातिगत मतभेद क्यों? हमें शोषितों वंचितों को संरक्षण देना है, न कि उनको बांटना है। अतः शोषित और वंचित के नाम पर जो जातिगत राजनीति चल रही है वह समाप्त हो, और जब तक हिंदू समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने आप को एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं करेगा एवं एक दूसरे का आधार नहीं बनेगा, तब तक यह भेद समाप्त नहीं होगा। एक दूसरे पर आधारित है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के बिना चल नहीं सकता, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण और क्षत्रियों के बिना नहीं चल सकता। हम एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं और मैं इस समय हिंदू एकता आंदोलन पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूं और दिल्ली का प्रभारी हूं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर संतोष राय। हमारा उद्देश्य यही है कि प्रदेश में हिंदुओं का विकास हो, हिंदुओं में एकरूपता रहे, हिंदुओं में सामाजिक समन्वय बना रहे, मतभेद न हो, प्रदेश विकास करे, और चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबका विकास हो। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके अनुकूल कार्य कर रही है? कुछ अनुकूल कार्य हो भी रहे हैं और कहीं ऐसी राजनीति आ जाती है, सरकार कहीं न कहीं कंप्रोमाइज कर रही है। प्रदेश में धर्मांतरण का कार्य जोरों पर जारी है, यह नहीं रोका जा रहा है। पूर्वांचल में भोले वाले आदिवासियों दलितों को बहला फुसलाकर, दूसरे समाज के वर्गों को खिलाफ विरुद्ध भड़काकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, तुरंत बंद हो। यह घटना मिर्जापुर, भदोही, राबर्ट्सगंज, काशी क्षेत्र में विधिवत जारी है और उसको योगी सरकार के नीचे हो रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस पर आंख मूंद कर रख रखी है। उसका एक कारण है संविधान द्वारा प्रदत्त जो कमियां हैं, ब्यूरोक्रेसी उसका लाभ उठाता है और उसमें आंख बंद कर लेता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि जब तक संविधान का 42वां संशोधन रद्द न हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित न हो, तब तक हिंदू समाज बराबरी पर नहीं आ सकता है। सर, आपको कब ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू जो है खतरे में है या हिंदुत्व खतरे में है? देखिए, मेरे साथ बैठे हैं साधु तिवारी जी, जो भारतीय स्वर्ण संघ के महामंत्री हैं। उसके तत्वावधान में हमें आमंत्रित किया गया और हमने देखा कि प्रदेश में कुछ गत महीनों से विशेषकर ब्राह्मण समुदाय के बच्चों की और उनके लोगों की हत्याएं हो रही है। मिर्जापुर में भी घटना हुई और भी दूसरे जनपदों में घटनाएं हुई, ब्राह्मणों के विरुद्ध ही ऐसा क्यों? ऐसा प्रतीत होता है कुछ राष्ट्रद्रोही शक्तियां। घटनाएं तो सब के साथ होती हैं सर। नहीं, इस समय विशेष तौर से ब्राह्मणों के विरुद्ध ऐसी घटनाएं हो रही, ब्राह्मण बच्चों के साथ, और जिस समय जो हमारा प्रशासनिक वर्ग है, यहां तक कि SIT तक इसकी जांच नहीं कर पा रही है, मुख्यमंत्री स्वतः इसमें संज्ञान लिए, फिर भी ढाके 3 पात ही निकला
इससे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन मुख्यमंत्री को सभी संदर्भों से अवगत नहीं कराता है और वो बात को टालम टोल करके इसको दबा दे रहा है। बताए सर, बैठक बुलाई गई है, क्या है पूरा मामला आप लोगों का? ये भारतीय स्वर्ण संघ के लोग, हम लोग हमेशा मांग कर रहे हैं कि मिर्जापुर में जो घटना घटी है इसका SIT जांच भी नहीं हो पा रहा है। SIT जब नहीं अभियुक्तों को पकड़ पा रही है तो ऐसे में CBI जांच की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र को पत्र लिखें, जब यहां का प्रशासन उन अभियुक्तों को नहीं पकड़ पा रहा है तो उस क्या अपेक्षा की जा सकती है। 3-3 ब्राह्मण बच्चों का हत्या हुआ, अभी यहाँ पे जाकर के भदोही जिले में दुर्गागंज नवलपुर गांव का मैटर है, विष्णु पांडे के घर को जला दिया गया, उनकी 2 भैंसों को जला दिया गया, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। जब हमने SDM से और तहसीलदार से कहा तो वो सब बोले कि आपात स्थिति में अगर कोई आपदा होता है तब हम अनुदान देते हैं, रहने को छत नहीं है, संगठन के तरफ से उसको छत बनवाया जा रहा है, टीन सेट बनवाया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जबकि हमारे योगी जी इस मामले को डट करके देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकारी उनके उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। ठीक, भैया भैया।